तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशन, इंटरव्यू वगैरह की जो है, जैसे पेरोल टीम वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे टाइम कैलकुलेशन से चीज़ें भी पूछ सकता है कि किस तरह से आप एक्सेल में टाइम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जानिए कि एक्सेल में आप डेट कैसे लिखेंगे। तो डेट लिखने से पहले आप देखें कि आपका डेट का फॉर्मेट क्या है। तो नीचे मेरा जो डेट का फॉर्मेट है मंथ डेट दैट ईयर, मतलब कि MMDDYY। तो मेरा डेट का जो फॉर्मेट क्या है MMDDYY है। तो मैं यहाँ पे आज का डेट डालना है तो 6/30 डालूँगा। अब क्या है कि लास्ट डेट मान लीजिए करेंट ईयर का डेट है, तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट और प्रीवियस ईयर का डेट है तो आपको ईयर स्लैश करके ईयर डालना पड़ेगा इस तरह से, तो डेट आ जाता है। अब डेट के ऊपर मैंने बताया था फॉर्मेटिंग में कि अपने हिसाब से जैसा फॉर्मेटिंग वैसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेट कैसा दिख रहा है। अब मान लीजिए कि इसी डेट में आज की सिस्टम की करेंट डेट चाहिए हो तो उसके लिए टुडे का फॉर्मूला है। अगर डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो उसके लिए नाउ का फॉर्मूला है। तो नाउ का फॉर्मूला डेट एंड टाइम दोनों देता है और आपका टुडे का फॉर्मूला सिर्फ डेट देता है। मान लीजिए कि मुझे डेट में कुछ दिन जोड़ने हैं तो इसमें प्लस कर सकते हैं इजीली। जैसे 20 दिन जोड़ने हैं तो आप डेट को सिलेक्ट कीजिए, प्लस 30 कर दीजिए, यहाँ पे 20 दिन बाद का डेट आ गया। अगर आपको महीना जोड़ना है, जैसे 3 महीने जोड़ने हैं, तो ऐसा नहीं कि 3 × 90 करके आप 3 × 30 करके कर दें, उसके लिए ई डेट का फॉर्मूला होता है। इसमें आप जितना मंथ देना है, प्लस करना है प्लस कर दें और माइनस करना है माइनस कर दें। आप बोले सर नंबर आया, तो ए नंबर ऑफ डेज आता है, कोई फॉर्मूला लगाते हैं रिजल्ट, तो इसको आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो फॉर्मेट आपको डेट का चाहिए उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह का नंबर आए तो समझ जाइए कि फॉर्मेट हट गया है डेट का। आप यहाँ पे अपने डेट का फॉर्मेट इम्प्लीमेंट कर दें, अप्लाई कर दें। माइनस करना है तो 3 करें माइनस हो जाएगा, प्लस करना है प्लस कर सकते हैं। अब दो डेट का डिफरेंस मुझे निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी और आज का डेट है, मुझे डिफरेंस चाहिए नंबर ऑफ डेज में, तो आप लेटेस्ट डेट जो है उसमें से ओल्डेस्ट डेट को घटा दें तो डेट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। और सेम टाइम में भी होता है कि 10:30 है और शाम को 6 बजे है, तो कितना घंटा का ऑफिस हुआ, तो लेटेस्ट डेट माइनस लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम। और टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता है, इसका ध्यान रखिए। जैसे आपने अगर इसको सिलेक्ट करके इसको कर दिया तो रिजल्ट माइनस में नहीं आएगा, इस तरह का हैश हैश में आएगा। लेकिन अगर टाइम में डेट का डिफरेंस है, जैसे कि आज जो है दोपहर में 2 बजे में ऑफिस किया और रात के 3 बजे ऑफिस से छूटा, अब इसमें आप माइनस करेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो कैसे होगा माइनस, तो आपको डेट एंड टाइम लिखना पड़ेगा। जैसे कि आज मैं गया, आज है 6/30 और 14, और कल में आया तो 30 जून ही होता है, जिन जून का 30 महीना होता है ना, आज ही लास्ट डे है ना, तो आगे से लग रहा है मुझे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा क्या। 7/1/32 और इसमें लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम। अब इस तरह का डेसिमल में आया, तो इस तरह का डेसिमल में आता है तो आप आप जो है इतना ये मत होइए, आप क्या कीजिए इसके ऊपर टाइम का फॉर्मेट अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिएगा अगर टाइम का फॉर्मेट हटेगा तो वो इस तरह के डेसिमल्स में दिखेंगे, तो टाइम का फॉर्मेट आप अप्लाई कर दीजिए, और नंबर्स में दिखा तो डेट का फॉर्मेट। ठीक ठीक है,
जी ये समझ में आ गया। जी सर। अब बात करते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ आपको निकालना हो, डेट ऑफ ईयर निकालना हो गया। मान लीजिए, हालांकि आपकी आपकी एज पूछना सही नहीं होगा, फिर मान लीजिए कि आपकी एज हो गई 7 जुलाई, 10 जुलाई 1987, इमेजिन कर लेता हूँ, जी और यहाँ आज की डेट। तो मुझे आपकी ईयर डेट जो निकालना, ईयर मंथ और डे, कि आप कितने साल कितने महीने और कितने दिन का हो गए। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा डेटेड इफ। अब ध्यान रखिएगा कि डेट डी आई एफ होता है, माफ कीजिए, बहुत सारे लोग इसको डेटेड इफ बोलते हैं, डेट डी आई एफ। ध्यान रखिएगा, डेट डी आई एफ आपको जो है लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है। तो आपको इसमें स्टार्ट डेट एंड डेट, अब मुझे क्या चाहिए, ईयर चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा में ईयर डाल दीजिए, तो आपके सामने ईयर आ गया कि 33 साल। और फिर मैं वापस इसमें सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, और यहाँ पे मंथ चाहिए, तो क्या मैं मंथ डालूँ? नहीं। अगर मंथ आप डालते हैं तो दोनों डेट का डिफरेंस इन द मंथ आएगा। मुझे ईयर का बाद का मंथ चाहिए कि 33 साल के बाद कितना महीना, तो हम यहाँ पे वाई एम करेंगे। और डे के लिए, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डे के लिए मुझे वाई एम डी करना है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ एम डी का चाहिए कि मंथ के बाद का डेट। तो जिस पर्सन का अगर डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1987 हुआ, ठीक है, तो इन दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस होगा 33 साल 11 महीने और 20 दिन, ठीक है? जी। हेलो जी सर, आवाज नहीं आ रही। आ रही है, समझ में आया जी। आपको है? जी सर। तो डेट का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, टाइम में किसी डेट ऐड करना सीख गया ना सर, लेकिन टाइम में ऐड करने का जो देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 10 मिनट में, 10:20 में हमारे 30 मिनट ऐड करना है, तो 0.30 करोगे तो आप इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम फॉर्मेट में। लेकिन अगर ये 30 मिनट हो गया नंबर फॉर्मेट में, तो एक्सेल में 1 = 24 आवर होता है। तो उस केस में आपको इसमें प्लस करने के लिए टाइम फॉर्मूला की मदद लेना पड़ेगा। इसमें आवर 0 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, मिनट और सेकेंड 0 कर दीजिए, अब जाके होगा। टाइम फार्मूला क्या होता है कि आवर मिनट सेकेंड को नंबर्स में लेता है और टाइम में कन्वर्ट करके देता है, और यहाँ इसने 10:50 मुझे दे दिया, ठीक है मैम? ठीक है। तो ये थी टाइम की कैलकुलेशन। अब एक क्लास जो मुझे देना है आपको, वो देना है लुकअप फॉर्मूले और समी फॉर्मूले को, ठीक है जी। उसके बाद आप एक्सेल की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, एक्सेल के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अगर जो चीज़ें मैंने बताई है उसको आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस किया तो। जी, लेकिन फिर भी इंटरव्यू जाने से 2 दिन पहले मुझे बोलिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ों पे बता दूंगा कि मेनली कौन पूछेगा, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए, तो मिलते हैं कल। ठीक है सर, और इसकी सर स्क्रीन मुझे शेयर कर दीजिएगा। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर। जी।